अस्सलाम वालेकुम गाइस, मुझे कहते हैं एली उस्मान। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। और मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, सो गाइस बीच में आ गया मेरा एक ट्रबल और मुझे जाना था, और मैंने कहा आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की जाए। सो चलें, चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। मैं जा रही हूँ फ्लाई एमिरेट्स से, और यहाँ पर एमिरेट्स एयरपोर्ट ही अलग बना हुआ है दुबई में। और मैं ये प्रेफर करती हूँ कि आपका जो ट्रैवलिंग हो और जो सफ़र हो वो आपका कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस कर रहे होते हो बहुत सारी चीज़ों का और बहुत सारी जगहों का, तो आपका जो ट्रैवल होता है वो एक पीसफुल और बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए, ताकि आप उस जर्नी को और भी अच्छे तरीके से इंजॉय कर सको। गाइस मैं आ गई हूँ अपना लगेज बुक करवाने के लिए। मुझे लग रहा था कि मैं लेट हो गई हूँ, बट मैं थी ऑन टाइम। सो हम चलते हैं अपना लगेज बुक करवाते हैं और इमिग्रेशन करवाते हैं, ठीक है? फिर आके मिलते हैं आपको। सो गाइज़ मैं आ गई हूँ मराबा लॉन्च। यहाँ पर मैंने कुछ ट्राई किया तो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी, मगर मैंने पास्ता यहाँ का ट्राई किया, पैनकेक्स अच्छे लगे मुझे तो ये वो मैंने ट्राई किए थे। तो टाइम था शॉर्ट, मुझे जाना था शॉपिंग। सो मैं आ गई हूँ यहाँ फ्रेगरेंस के माहौल में एकदम। जब आ जाती हूँ, ऊपर से ऑफ़र्स लगे हुए थे, तो ऑफ़र्स लगे हैं और फ्रेगरेंस पे मैं ना लूँ ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना? तो मैंने सोचा फ्रेगरेंस भी ले लिया जाए और मेकअप भी ले लिया जाए। तो अब हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की जानब, और देख सकते हैं आप। सो टनल से अभी हम गुजर रहे हैं और फिर अंदर जाकर आपको मैं दिखाती हूँ अपना व्लॉग। टेक ऑफ होते होते रात ही हो चुकी है, आप देख सकते हैं व्यू ऊपर से दुबई का बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सो गाइस कराची एयरपोर्ट पाकिस्तान पहुंच चुके हैं हम, और यहाँ पर दुबई से ज़्यादा सर्दी हो रही थी तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। और वैसे भी सर्दियों का मौसम अच्छा ही होता है। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।